उसके अलावा एक जैसे आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कोई सिक्योरिटी के लिए कोई एक हवलदार तैनात होना चाहिए। अगर मेट्रो स्टेशन जैसा है वैसा हम इसको भी बना सकते हैं। रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार गुड़गांव से। हम खड़े हैं गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पर और आज यहाँ पर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो बोर्ड है वहाँ की जो सदस्य यहाँ पर योगिता धीर जी मौजूद है, इन्होंने आज इसका पूरी जांच की है कि कहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, कहाँ क्या कोई कमी है, इस बात को लेकर हम योगिता जी से ही जान पाएंगे कि इसमें आज उन्होंने क्या किया। योगिता जी, आज आपने जो कार्यक्रम रखा इसमें पूरी जांच पड़ताल का कहा क्या कभी है, क्या होना चाहिए, क्या आपको क्या गुड़गांव के लिए कभी क्या पूछा था। देखो, ऑनेस्टली आपको बताऊं, जब भी जिससे भी मेरी बात हुई थी मुझे ये दायित्व मिला है भारत सरकार का, तो मेरी जिससे भी बात हुई थी उनके लिए उन्होंने कहा मैडम रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और होता ही जिस तरह से गुड़गांव है, हमारा एक लेवल है गुड़गांव का, इसको मिनी सिंगापुर कहते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी स्टेशन है उसकी कंपैरिजन में वो ब्यूटी का यहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि अदरवाइज मैंने अभी सारा यहाँ पे सर्वे किया है तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगे, सिस्टम सारे हैं रेलवे से, हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, सारे डिपार्टमेंट हैं जो सिस्टम से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जैसे MCG और यहाँ की जो हरियाणा गवर्नमेंट है और रेलवे में आपस में कोऑर्डिनेशन होकर काम हो तो यहाँ पे बहुत बेटर हो सकता है। अगर मेट्रो स्टेशन जैसा है वैसा हम इसको भी बना सकते हैं, बल्कि यहाँ पे एस्केलेटर वगैरह सारे हैं, आप एक बार विजिट करेंगे देखेंगे सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, उसको कुछ कोऑर्डिनेशन करके या कुछ ब्यूटीफाई, थोड़ा मुझे लग रहा है एंट्री और ब्यूटीफाई हो जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए, कुछ बेटर गेट हो जाए, एंट्री अच्छी हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज स्टेशन में कोई कमी मुझे ऐसे नहीं लगी है, सफाई वगैरह की थोड़ी बहुत इशू है वो देखना होगा, वो हमें कुछ कोऑर्डिनेट करना होगा। जब यहाँ पर रात के कुछ महिलाएं खासकर आने में ऐसा मैंने भी सुना था और देखा भी, उसको लेके आप क्या कहते हैं प्रशासन इसमें पूरी तरह से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अभी पूरा यहाँ पे जो सर्वे करके आई हूँ, मैंने एक विजिट किया है तो एक नया यहाँ पे फ्लाईओवर बना है जो MCG ने ही बनाया है, तो बनाया तो है MCG ने, मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा अगर मैं एक बार मिलूंगी MCG को, धन्यवाद है जो यहाँ पे इन्होंने एरिया को जोड़ा है इधर वाले गुड़गांव को, पैदल मार्च वाला। हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा सफाई का इसमें इश्यू है तो वो हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, बात हो भी गई है मेरी उन्होंने, तो वो भी हमें यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोवाइड किए कि जो मेरा पूरा क्लीनिंग करेंगे। उसके अलावा एक जैसे आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कोई सिक्योरिटी के लिए कोई एक हवलदार तैनात होना चाहिए, जो एंट्री में जैसे इन्होंने बताया वहाँ शराबी वगैरह बैठे होते हैं, मैं देखी थोड़ी गंदगी भी थी वहाँ पे और बॉटल्स वगैरह भी हैं, तो वहाँ पे इस तरह से ये सब कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो, इसलिए कि हरियाणा पुलिस अगर यहाँ पे अपना कोई हवलदार तैनात कर दे तो ये चीज़ रोकी जा सकती है। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या आप डायरेक्ट एसएसएस से या लोकल एसएसएस से मिलेंगे, या आप MCG से बचाए तो MCG जाके उपाय से मिलेंगे, या फिर आप इस चीज़ को लेकर आप अपने मिनिस्ट्री को आप पत्राचार करेंगे क्या? ये आपको जैसे मैंने बताया मैं MCG से भी मिली हूँ, उन्होंने सपोर्ट सारा साथ दिया, साथ में सब एंगेजमेंट के हैं, सफाई कर्मचारी सब आए, उन्होंने देखा यहाँ पे रेगुलर सफाई करते भी हैं क्योंकि जहाँ एरिया डिफाइंड है एंट्री तक MCG देखी है। रेलवे मिनिस्ट्री को भी हम देखेंगे क्योंकि नेचुरली क्योंकि रेलवे नॉर्थन रेलवे की तो जिम्मेदारी पहले बन रहा है तो वो भी देखेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया समाजा से किसी भी काम होगा कुछ वो देखें, कुछ रेलवे देखें, कुछ भारत गवर्नमेंट भारत सरकार देखें, कुछ हरियाणा सरकार देखें, तो ये सब एक समाजा से ही काम होगा। और वो ही मैं लगने आई हूँ, मैं मेरा ये फोटो है कि मैं इसको जो ये स्टेशन है इसको सुंदर सा जैसे कि आप कह रहे हैं हमारे जैसे कि मिनी सिंगापुर की तरह हमारा गुड़गांव है तो ये मैं स्टेशन को डेवलप बनाना चाहती हूँ।
ये हमारे साथ में योगिता धीर जो जुड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी भी से भी बिलोंग करती हैं और इस समय मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन के रेलवे बोर्ड में स्पष्ट की है। उन्होंने आज पूरी जांच पड़ताल की है और देखा है कि रेलवे स्टेशन पर जो भी कमियां और बढ़ रही हैं इसको सुंदर बनाने की खास करके वो बात कर रही है। जैसे कि साइबर हब कहा जाता है गुड़गांव को और यहाँ पर दूर दूर के लोग आते हैं, दूर दूर की कंपनियाँ भी है। इस मेट्रो स्टेशन की तरह इसको बनाना, ऐसा इनका एक सपना है और इसको बनाने के लिए ये सरकार से NCC से और या प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जो लोकल SHO हैं उनसे भी ये चर्चा करेंगे और पत्राचार के माध्यम से रेलवे मिनिस्ट्री को भी जगाने का काम करेंगे। मेरा महाभारत उपाध्याय नव समाचार, धन्यवाद।